समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष फिरोज खान एक बार फिर से चर्चा में आ गए हैं। मामला रामपुर में हुई कार्यवाही से जुड़ा हुआ है। रामपुर प्रशासन ने आजम खान के करीबी कहे जाने वाले शानू के खिलाफ जिला बदर की कार्यवाही को किया है, जिसको लेकर संभल सपा जिला अध्यक्ष और आजम खान के करीबी फिरोज खान भी अपना आपा खो बैठे हैं। इस मामले को लेकर ज्ञापन देते समय सपा जिला अध्यक्ष सभी सीमाओं को तोड़ दिया, रामपुर प्रशासन का लेकर नाम लेते हुए ही कैमरा के सामने थूक दिया। जिस समय प्रशासन के ऊपर सपा नेता थूक रहे थे, उस समय संभल प्रशासन से जुड़े अधिकारी SDM राकेश कुमार व SHO मौजूद थे। साथ ही सपा जिला अध्यक्ष फिरोज खान यही नहीं रुका, उन्होंने कहा कि 2022 में सरकार आते ही रामपुर के मौजूदा प्रशासन के लोगों को जिला बदर किया जाएगा, जिसके बाद उनकी जिंदगी बदल देंगे। हम आपको बता दें कि सपा जिला अध्यक्ष लगातार अपनी ऊटपटांग हरकतों को लेकर चर्चा का विषय बने रहते हैं, जिसको लेकर उनके खिलाफ कई बार कानूनी कार्रवाई तक हो चुकी है और बदले की भावना से मुकदमे लिखाए जा रहे हैं। कल माननीय आजम खान साहब के करीबी पार्टी के मीडिया प्रभारी फसाद अली खान सानू के खिलाफ उनकी छवि धूमिल करने के लिए गुंडा एक्ट जिला बदर की कार्रवाई की है, जिसके संभल के कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी इन्होंने तौर पर निंदा करती है, उनके ऊपर थूकती है। और मैं माननीय आजम खान साहब के जो मीडिया प्रभारी हैं हमारे साथी फसाद खान सानू, उनके खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई, आज तक कोई खिलाफ उनके मुकदमा नहीं, तो इस तरीके से कार्यकर्ताओं के खिलाफ जाती होगी कि जिला बदर, जिला उनके बाप का प्रशासन के, जिला बदर किसी को कर देंगे, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, पहले इतना रिकॉर्ड तो देखो कम से कम, सामाजिक कार्यकर्ता को या पार्टी के समाजवादी के नाम पे आप उसका उत्पीड़न करोगे तो ये बर्दाश्त कर लेंगे? ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, हम आंदोलन चलाएंगे बाहर। और जितने मुकदमे माननीय आजम खान साहब के खिलाफ या उनके लोगों के खिलाफ हुए हैं वो सब सरकार को वापस देने पड़ेंगे, नहीं तो अब हम दिल्ली का रास्ता अपनाएंगे, माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब को भी देने। और महिलाओं के खिलाफ बताइए, एक सांसद की चैन लूट ली गई लखनऊ में, फिर वो बैकफुट पे आ गई, कितने ऐसा नहीं हुआ, तो मैं तो मांग करने वाला था कि आधे प्रदेश की सुरक्षा इनको दे दो, और वो कहती थी मैं गुंडी बन जाऊंगी। क्या ये है, तमाशा हो रहा है। नहीं, बहन बेटी सुरक्षित नहीं है, अब हर बेटी के साथ बहन के साथ घर से एक परिवार का आदमी साथ में जाता है भाई, हत्या करके जला के मार दिया जाता है, पहले बलात्कार उसके बाद में उसकी हत्या करके जला के मार देते हैं। कैसा प्रदेश है, लोग दूसरे प्रांतों के लोग हमारे ऊपर हंस रहे हैं, हमारा मजाक बन रहा है। आज़ादी के बाद पहला मौका है जो उत्तर प्रदेश के आदमी का मजाक बन रहा है, योगी जी मजाक बनवा रहे हैं, भाजपा मजाक बनवा रही है, कैसी सरकार। जंगल राज इसी को तो कहते हैं कि कोई कार्रवाई नहीं, किसी की बेटी इज्जत लूट गई, जान से मार दिया, आग लगा के मार दी गई, कार्रवाई कुछ नहीं, तो इसे जंगल राज तो कहेंगे, आदमी लूट रहे हैं तो कोई सुरक्षित नहीं है। सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, बेईमानी से तो मात हो गए लेकिन इस जिम्मेदारी को तो निभा दो, बेईमानी से निभा दो, जनता का दिल तो जीतो। माननीय अखिलेश यादव जी को याद कर रहे हैं लोग, आज क्यों याद कर रहे हैं, जनता का दिल जीतते थे, काम करते थे, जमीनी सतर पर काम किया समाजवादी, ये हमारी तख्ती पर तख्ती लगा रहे हैं, सब उखेड़ के फेंक देंगे, समय आने दो तो।